हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक तरीका दिखाने जा रहा हूँ जिसके ज़रिए आप जो कैरेक्टर क्रिएटर का जो बेस कैरेक्टर है उसको एक फ़नी लुक आप दे सकते हैं। उसके लिए आपको ब्लेंडर में जाना पड़ेगा, तो इसलिए आपको दो प्री प्लानिंग चाहिए जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो सबसे पहले मैं एक बेस कैरेक्टर को लोड कर लेता हूँ। यह है एक बेस कैरेक्टर, ये लोड हो गया। तो इसको मैं क्या करूँ, इसको पहले जो मेरा जो इंटेंडेड जो चाह रहा हूँ ऐसा लुक मैं देने की थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ। मॉर्फ जो स्लाइडर है उसका ज़रिए मैं थोड़ा चेंज चेंज करके इसको एक फनी लुक देने के कोशिश कर रहा हूँ। पहले सबसे पहले इसको पतली करना पड़ेगा, तो थोड़ा पतली कर दिया। और इसके बाद ये मॉर्फ बटन को दबाएंगे तो आप डायरेक्टली कैरेक्टर की ऊपर में ही चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ उसका नज़दीक कुछ लुक देने की कोशिश। इसको थोड़ा थोड़ा पतली करना पड़ेगा, कमर को थोड़ा पतली करना पड़ेगा। अभी ठीक है, तो उसको हेड को थोड़ा चेंज करके एक शेप देने के, एक इलोंगेटेड फेस, जो लंबा फेस है उसको लाने का कोशिश। थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, इसको थोड़ा खींच के थोड़ा इसको जॉ को ठीक कर रहा हूँ। उसके बाद उसका जो नेक है, गले जो है उसको थोड़ा फिक्स करना पड़ेगा। थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा पतली करना पड़ेगा। और उसके बाद बेक करके फिर एक बार ट्राई, थोड़ा ज़्यादा पतली हो गया, अभी ठीक है। इसको जो ईयर है उसको थोड़ा फनी लुक देने की कोशिश। ये सब आप अपना मर्जी से कर सकते हैं, आप जैसा कैरेक्टर आपका मन में है उसके हिसाब से आप उसको चेंज करिए। जितना हो सका मैं कैरेक्टर क्रिएटर में चेंज किया। उसके बाद इसका जो आई और माउथ जो इंटीग्रेशन है उसको देखना पड़ेगा कि सब फिसल गया क्या, इतना खींचने के बाद सब फिसल सकते हैं। तो अब देख सकते हैं ये आई ठीक ही काम कर रहा है, माउथ भी ठीक ही काम करेगा शायद। हाँ, माउथ ठीक ही है, इसका टीथ पोजीशन ठीक है, यही देखना पड़ेगा आपको। ये सब टेस्ट है माउथ चेक करने की, तो अभी ठीक ही है। तो अभी क्या करूँगा, इसका हेड थोड़ा छोटा हो गया, हेड को थोड़ा बड़ा करने का कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं हेड थोड़ा छोटा हो गया, इसका स्केलिंग करके, हेड का जो स्केलिंग होता है वो करके ये देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा कर दिया, तो हो गया। अभी बेक करके करने के बाद इसको अभी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा प्लगइन में जाकर, कर ब्लेंडर पाइपलाइन एड ऑन, ये आपको दे दूंगा मैं।
इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप इस प्लगइन के जरिए उसको यहाँ से एक्सपोर्ट करिए। अब देख सकते हैं ये जो वाला है, आप कुछ नहीं चेंज करना है, सिर्फ डिफ़ॉल्ट में अब जाइए और जस्ट इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए। एक मॉर्फ टेस्ट एक दे दिया नाम और एक्सपोर्ट कर दिया। तो अभी हमको ब्लेंडर में जाना पड़ेगा, तो ब्लेंडर में एक और एक प्लगइन CCIC ब्लेंडर टूल जो है उसको जरिए आपको ये इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब देख सकते हैं ये इंपोर्ट बटन में क्लिक किया और जो उस पर एक्सपोर्ट किया था वही फाइल मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो आ गया टेक्सचर, अभी लोड हो रहा है तो उसका भी स्कल्पटिंग करके चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको वायरफ्रेम मोड में जाकर आपका जो टीथ है उसका पोजीशन आप ठीक से देखिए और उसकी हिसाब से आपको उस पोजीशन को मास्क करना पड़ेगा ताकि ये ना हिले वहाँ से। ये नहीं, वही है, हाँ ये है, लैसो टूल ले लेता हूँ और लैसो टूल के जरिए ये जो माउथ पार्ट को मैं मास्क कर दिया, आप देख सकते हैं ये मास्क हो गया। तो उस पार्ट को आप हिला नहीं सकते। तो अभी ड्रैग टूल के जरिए आप थोड़ा थोड़ा करके खींच रहा हूँ जाते उसका फेस थोड़ा फानी लगे। आप देख सकते हैं देखिए कैसे फेस को चेंज किया और उसके बाद उसका आई पार्ट को भी मास्किंग करना पड़ेगा ताकि वो ना हिले। अभी उसका जो नोज़ है उसको थोड़ा लंबा करने की कोशिश ताकि वो और ज़्यादा फनी लगे और ज़्यादा कार्टूनिश लगे। आप देख सकते हैं ये हो गया और इसका ईयर भी थोड़ा बड़ा कर दिया। अभी मैं ये मास्क को हटाऊंगा, मास्क को हटा दिया और ये तो अभी ये इसको दाग को हटाना पड़ेगा। ये शिफ्ट दबा के कोई भी एक टूल ले लीजिए और उसके ज़रिए उसको उस दाग को हटाइए। और हट गया, आप देख सकते हैं आ गया फनी फेस। अब मैं इसको ऑब्जेक्ट मोड में जाकर उसको एक्सपोर्ट करूँगा और एक्सपोर्ट ओ CCIC जो प्लगइन है उसके ज़रिए करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, ये देख सकते हैं, बटन को क्लिक करके एक फाइल नेम अपने आप आ जाएगा एडिटेड बोल के और उसको एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट हो गया। तो अब कैरेक्टर क्रिएटर को ये जो फाइल मैंने ब्लेंडर से एक्सपोर्ट किया वो उसको प्लगइन के जरिए इंपोर्ट करना पड़ेगा।
ये इंपोर्ट आपको प्लगिंग के जरिए करना पड़ेगा, जो ब्लेंडर पाइपलाइन जो प्लगिंग है उसके जरिए आपको ये इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये इंपोर्ट हो रहा है, ये देख सकते हैं ऑल पैरामीटर पास हो गया, तो मैं ओके कर देता हूँ। ओके करते ही ये सब लोड हो जाएगा और ये टेक्सचर भी आ जाएगा एकदम सही तरीके से। आ गया टेक्सचर। तो अब उसका जो आई और माउथ का जो इंटीग्रेशन है वो सबसे पहले मैं चेक करूँगा। आई का इंटीग्रेशन ठीक ही है, ठीक ठाक ही आ रहा है। माउथ का देख लेता हूँ, ठीक ही लग रहा है। मुख खुलेगा, हाँ ठीक ही है, सही जगह पे है टीथ और टांग, इसलिए आपको वो स्काल्प्ट करने का समय मास्क करने का ज़रूरत है, जाते वो ना हिले वो पार्ट, ठीक है। तो मुझे लगता है कि करेक्टर ठीक ही है। तो ये है एक तरीका, आप ब्लेंडर के जरिए और ये प्लगिंग के जरिए आप आपका करेक्टर को कोई भी लुक दे सकते हैं। तो आज के लिए यही, चलते हैं, गुड बाय।